हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज आप सीखने वाले हो पिक्चर से यूट्यूब प्रोफाइल लोगो कैसे बनाया जाता है। अब भी ऐसी लोगो बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले पिक्सआर्ट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन में टैप करना, फिर एडिट ए फोटो में टैप करना। उसके बाद बैकग्राउंड में टैप करके वाइट कलर में टैप कर देना। फिर राइट साइड में आके ऊपर के साइड स्क्रॉल करना, फिर ड्रॉ बटन में टैप कर देना। फिर राइट साइड में आके सेव बटन में टैप कर देना। फिर राउंड शेप में टैप करके फिल में टैप करना, उसके बाद ओके कर देना। फिर राइट साइड में आके कलर के ऊपर टैप करके येलो कलर चूज कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। इसके बाद राइट वाले बटन में टैप कर देना। फिर राइट साइड में आके ऐड फोटो के ऊपर टैप करके फोटो चूज कर लेना। फोटो को यहाँ एडजस्ट कर लेना। फोटो को क्रॉप करना चाहते हो तो कर लेना। हम यहाँ पे फोटो को थोड़ी सी क्रॉप कर देते हैं। इसके बाद राइट बटन में टैप कर देना। फिर राइट साइड में आके कटआउट के ऊपर टैप करके फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देना। आप यहाँ पे पर्सनल पर टैप करना, फिर यहाँ फोटो सिलेक्ट हो जाएगी। तो जो पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ उसको ब्रश वाले बटन में टैप करके सिलेक्ट कर लेना। साइड को छोटा करके इसको जूम करके सिलेक्ट कर लेना, जहाँ जहाँ छुपी है ऐसे करके। और जो जो पार्ट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर ली है उसको इरेजर से क्लियर कर देंगे। उसके बाद राइट वाले आइकन पे टैप कर देना। फिर उसके बाद फोटो को एडजस्ट कर लेना ऐसे। फिर ओपेसिटी को डाउन करके राउंड शेप की बाहर पार्ट को इरेजर से इरेज कर लेना। साइज को थोड़ा छोटा कर देना, उसके बाद इरेज कर देना ऐसे।
उसके बाद राइट वाले बटन में टैप कर देना, फिर अपोसिटी को 100 कर देना, फिर राइट वाले बटन में टैप कर देना, उसके बाद राइट साइड में आके ड्रॉ बटन में टैप करके फिर से सेव बटन में टैप करना, फिर राउंड शेप को चूज करके स्ट्रोक में टैप करना, उसके बाद ओके कर देना। फिर राइट साइड में आके कलर बटन में टैप करके कलर चूज कर लेना, आप यहाँ पे ब्लैक कलर चूज करना, उसके बाद राइट बटन में टैप करना, फिर यहाँ पे ड्रॉ कर देना। ऐसे करके आप एडजस्ट कर लेना। फिर राइट साइड में आके इरेजर बटन पर टैप करना, उसके बाद इरेजर कर देना ऐसे करके। तो जो पार्ट पिक्चर के ऊपर आई है उसको ऐसे करके इरेजर कर देना। फिर राइट वाले बटन में टैप कर देना, फिर उसके बाद यहाँ पे टैप करके पिक्चर को सेव कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।